फलहार नोमार्स की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारा शौक हमें देश और दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर ले जाता है, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां पर सुंदरता अभी भी अनछुई है। विभिन्न स्थानों की यात्रा करने से हमें ऐसा महसूस होता है कि हम विश्व मंच पर खेले जाने वाले नाटक के सेट पर हैं। नोमार्स के रूप में हमारी भूमिका दुनिया की प्राकृतिक सुंदरता, विभिन्न संस्कृति और रहन सहन को तस्वीरों और फिल्मों के रूप में सामने लाने की है। तो चलो साथ में घूमते हैं। हेलो दोस्तों, कल दिवाली थी और आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल है, तो आप सबको फलहार नोमार्स की तरफ से हैप्पी दिवाली और नए साल की शुभकामना। चले दोस्तों, कहाँ चले? कुंभलगढ़। अच्छा, इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं और हम मेहसाना पहुंच गए हैं। रास्ते में बहुत मजा आया और नाश्ता भी किया और ये बम्प आया और गाड़ी धीरे से चलानी है। क्यों, सही बात है ना? बिल्कुल, धीमे ही चलानी चाहिए। कुंभलगढ़ हम लोग तकरीबन 2 बजे पहुंचने वाले हैं। अनजानी जगह में पहाड़ों के बीच कैंपिंग करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। तो चलो फिर मिलते हैं कुंभलगढ़। Yeah, कुंभलगढ़ coming। ये हमारी Isuzu V-Cross ओवरलैंडिंग की दूसरी यात्रा है और हमारी गाड़ी हमें कुंभलगढ़ राजस्थान में रोमांचकारी सफर करवाने वाली है। दो सुरंगों से गुजरना एक अनूठा अनुभव था और हमें हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर रोहतांग पास के नीचे बनी गई नवनिर्मित अटल सुरंग की याद दिला दी। नवंबर का महीना है इसलिए मौसम हमारे पक्ष में है और इसके परिणाम स्वरूप हमें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। जैसे ही हम मुख्य मोटर मार्ग से निकले, गांव की छोटी पथरीली और असमान उबड़ खाबड़ रास्तों ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया। रास्ते में हमने ग्रामीणों को देखा जो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे और मवेशियों को खेतों में चरने के लिए ले जा रहे थे। हमने देखा कि पारंपरिक राजस्थानी पोशाक धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और इसे थोड़े आधुनिक परिधानों से बदला जा रहा है। उमर जाकर जाने के लिए आगे चौराहा आएगा, चौराहे से ड्राइवर जाए, सारा गांव आएगा, सारे सीधे सारा। ओके, थैंक यू। जो भी हो, मगर लोग बहुत मददगार थे और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमें कुंभलगढ़ का नाश्ता दिया। कुंभलगढ़ आम आम जी, एक बार राजस्थान में आप एंटर कर जाओ तो थोड़े थोड़े समय पर आपको शराब की दुकानें मिल सकती हैं। पॉपुलर प्लेस है, इसके कारण यहाँ पर कई रिसोर्ट बन गए हैं और आपको रहने के लिए बहुत चॉइस मिल सकती है। दीपावली का त्योहार है। हैप्पी दीपावली। रास्ते में हमने ग्रामीणों को बिना ज्यादा पैसे खर्च किए हुए सबसे सरल तरीके से नाचते और गाते हुए दिवाली मनाते हुए देखा। यही तो ग्रामीण जीवन का चार्म है। तो जब भी मौका मिले, इस जिंदगी को थोड़े पल के लिए ही सही जी लेनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। रास्ते में हमने देखा कि अपने मवेशियों को पहचानने के लिए किसान उनके सिंगों को रंगते हैं और कुछ मवेशियों के शरीर पर रेखाएं भी खींचते हैं।
अपनी मंजिल के करीब थे और बहुत भूख लग रही थी और उसके कारण रास्ता लंबा लग रहा था, लेकिन अंत में हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां हमारे दोपहर की भोजन की व्यवस्था की गई थी। वहां से हमें अभी भी अपने अंतिम कैंपिंग स्थान तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। आपका नाम क्या है? तरुण। आज तरुण हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना है, वहाँ हमें कैंप लगाएंगे। पहुंचते ही हमें 2 स्थान दिखाए गए, लेकिन हमने एक को चुना जहां से हम कुंभलगढ़ किले को देख सकते थे और लोगों से दूर फॉरेस्ट में पहाड़ों के बीच रह सकते थे। जगह हमने चुनी थी वहाँ का स्थान असमान था और किसी भी तरह हमें यह सुनिश्चित करना था कि हमारी कार समतल हो ताकि हम आराम से अपनी रूफटॉप टेंट में सो सके। ऑफरोड ट्रैक्शन बोर्ड की मदद से हम कार को समतल करने में सक्षम थे। ऑफरोड ट्रैक्शन बोर्ड की मदद से हम कीचड़ और रेत में फंसी कार को भी हटा सकते हैं। सेट हो जाने के बाद शाम का आनंद लेते हुए हमने बॉलीवुड संगीत पर डांस किया और इस वजह से थकान दूर हो गई और माहौल बन गया। कॉपीराइट मुद्दों के कारण हमने बॉलीवुड संगीत को शामिल नहीं किया है।
हमारी पारी हो रही है। स्टीयरिंग कहाँ है? ये वाला। अच्छा, अब गाड़ी घुमाओ। कैसे घुमाते उसको? किसने बनाया है? आपने? आपका नाम क्या है? नरेश। और आपका? दिनेश। अरे वाह, दिनेश, नरेश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ। को अलविदा कहने और अपने घर जाने का समय आ गया था। हमने कुंभलगढ़ किले का दौरा नहीं करने का फैसला किया था क्योंकि दिवाली की छुट्टी के कारण लोगों की संख्या इस हद तक बढ़ गई थी कि किले से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर अपनी कार पार्क करनी पड़ती थी। कोई नहीं, बेटर नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।